Hello children, I am Shailendra Singh from Giri Public Inter College, Dafarpur Barabanki. आज हम आपको स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल के चैप्टर से, जो कि हाई स्कूल का एक चैप्टर वॉइस मींस होता है ध्वनि या आवाज। यहां से हाई स्कूल की परीक्षा में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है और वॉइस के अंतर्गत हम समझेंगे हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज को यहाँ पे हमको समझना है। यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। जैसे हम कह दें वह किताब पढ़ रहा है, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा He is reading the book. हमने सेंटेंस बना दिया He is reading the book. अब ऐसे सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। यानी सेंटेंस का मतलब क्या है कि वह किताब पढ़ रहा है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस लेता है, क्लियर है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार समझ लेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक उसमें ऑब्जेक्ट होना क्लियर है। जैसे अगर हम कह दें वो किताब पढ़ रहा है, और अगर हम कह दें कि वो पढ़ रहा है, तो क्या आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में लेट अस स्टार्ट टू हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जैसे कि यहां पे शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे कि सब्जेक्ट जो होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। और नया जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले यूज किसका करेंगे हम, बाई का, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो कॉमन सी चीज है। इसके बाद में सबसे पहले हम समझेंगे इसमें टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं कि टेंस से रिलेटेड तो हम कैसे एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे कि टेंस से रिलेटेड जब हम समझेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सबसे पहला टेंस हमारा होता है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये टेंस चेंज किसमें होता है। तो ये जो टेंस हमारा होता है ये चेंज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से जितने भी प्रेजेंट के टेंस होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस जो होगा उसी में रहेगा, उसमें हम बीइंग का यूज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हमारा नो चेंज होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। नेक्स्ट हमारा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को उसी में रखेंगे, हम किसका यूज कर देंगे, बीइंग का यूज कर देंगे। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो हमारा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, इसको हम नो चेंज मान लेंगे, ये हमारा चेंज नहीं होता। इसी टाइप से पास्ट में आ जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस उसी में रहेगा, बीइंग का यूज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज द नो चेंज। फ्यूचर में जब आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटीन्यूअस में, इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस जो हमारा होगा वो नहीं चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इज द नो चेंज। अब हम एक सेंटेंस को समझ लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सभी टेंस जो है चेंज होंगे। सबसे पहले जैसे हमने कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने कह दिया राम गोज टू मुंबई,
ये सेंटेंस हमने कह दिया राम गोज टू मुंबई, राम मुंबई जाता है। टेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है, जिस भी वर्ब में एस या ई एस का यूज हो टेंस हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम गोज टू मुंबई सेंटेंस है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, तो शॉर्ट ट्रिक है ये समझ लेंगे, इसको हम स्टार्टिंग में लाएंगे क्या हो जाएगा मुंबई, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज करेंगे तो इज लग जाएगा मुंबई इज, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी गॉन, और गॉन के बाद में यूज हो जाएगी बाई, बाई राम, यानी राम के द्वारा मुंबई जाया जाता है। ऐसे सेंटेंस की एक शॉर्ट ट्रिक है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद में हम यूज करेंगे किसका सब्जेक्ट। ये मुख्य रूप से अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको पैसिव वाइज एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज चेंज करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, कल आपको मिलते हैं इसी से रिलेटेड पार्ट टू पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।